हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लिक्चर। सो इंडियन नेवी MR रिक्रूटमेंट 2021 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये अक्टूबर 2021 बैच है। ये कोर्स आपका अक्टूबर 2021 में स्टार्ट होगा। सो क्या क्या कंडीशंस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो वैकेंसी है 10th पास स्टूडेंट के लिए है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या कंडीशन है। इससे पहले मैं आपको बता, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, तो फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पे भी सिर्फ 350 वैकेंसीज़ है सेलर्स MR के लिए। तो इतनी वैकेंसी के लिए यहाँ पे COVID-19 के वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ही रिटन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बट आपका जो मेरिट लिस्ट आता है, आपका जो कट ऑफ आएगा वो 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही आएगा। जॉब स्पेशलाइजेशंस में 3 पोस्ट है, शेफ, स्टीवर्ड एंड हाइजीनिस्ट। एज की बात करें तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2021 टू 30 सितंबर 2004 के बीच या इन डेट्स में आती है, देन आप एलिजिबल हो। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 14,600 रुपीज़ पर मंथ होगा, और जैसे ही आप इनिशियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको डिफेंस पे मैट्रिक्स के 3rd लेवल में प्लेस कर दिया जाता है, एंड देन आपकी जो सैलरी होती है वो 21,700 रुपीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 3 मंथ्स की होगी, जिसमें आपको 14,600 रुपीज़ मिलेगी, और उसके बाद आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 21,700 रुपीज़ हो जाएगी, जिसमें आपको MSP एंड DA भी मिलेगा। प्रमोशन की बात करें तो आपका जो प्रमोशन है वो मास्टर शेफ पेटी ऑफिसर 1st के रैंक तक एग्जिस्ट करेगी, दैट इज़ डिफेंस पे मैट्रिक्स के लेवल 8 तक आपका प्रमोशन होगा, और इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 47,600 टू 1,51,100 रुपीज़ होगी, जिसमें आपको MSP प्लस DA भी मिलेंगे। तो इस तरीके का आपका प्रमोशन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो COVID-19 पैंडमिक की वजह से सिर्फ 1,750 कैंडिडेट्स को ही रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ये आपके कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे होगा, मतलब क्लास 10th में जो भी आपके परसेंटेज है उसके बेसिस पे कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा, और उसके बेसिस पे ही आपको रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT देना होगा। सो कट ऑफ मार्क्स जो है वो स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज है, तो डिपेंड करेगा आपके स्टेट पे। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेपर होगा वो बायलिंगुअल होगा, मतलब आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल 2 सेक्शंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, और आपका जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन पेपर का वो 10th लेवल होगा। सिलेबस के लिए आप यहाँ पे www.joinindiannavy.gov.in पे जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस होगा वो 10th लेवल का ही होगा। ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स मिलेंगे इस एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, एंड जितने भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे सेम डे ही आपको PFT भी देना होगा। सो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है सिलेक्शन के लिए। 7 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करना होगा, 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स कंपलसरी है। इसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट होगा MR के लिए, ये कम्प्लीटली आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। सो रिटन एग्जामिनेशन में आपको अच्छे स्कोर करने होंगे, एंड अप्रॉक्सीमेटली 450 कैंडिडेट्स को ही कॉल अप लेटर मिलेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के एनरोलमेंट के लिए, जो कि आपका INS चिल्का में होगा। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एनरोलमेंट के लिए जो आपका कट ऑफ मार्क्स होगा वो स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। यहाँ पे आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक कर सकते हैं, और नोट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड टार्टर रिमूव्ड फ्रॉम टीथ प्रायर टू एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में एनरोलमेंट से पहले ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, और यहाँ पर आप विजुअल स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। टैटूज़ की बात करें तो परमानेंट बॉडी टैटूज़ अलाउ नहीं है, बट अगर आपके फोर आर्म्स के इनर फेस साइड है
देन आप एलिजिबल हो। ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो अक्टूबर 2021 में होगी और ये 12 वीक्स की होगी, मतलब 3 मंथ्स की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी एट INS चिल्का। एंड इसके बाद आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी जो कि आपको ट्रेड अलॉट किए जाएंगे और आपका जो ब्रांच एंड ट्रेड होगा वो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 23 जुलाई 2021 है, तो बहुत कम टाइम है आपके पास, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। तो ये पूरा प्रोसेस दिया है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा www.joinindiannavy.gov.in पे और उसके बाद ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस दिन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उस टाइम आपको नेगेटिव RT-PCR लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ COVID-19 सबमिट करना होगा, तभी आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो पाएंगे। और कोई डाउट है इंडियन नेवी MR रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो से रिलेटेड। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।